जय जिनेन्द्र। अहम गौरव जोशी, जैन श्रावक। जैन धर्म में श्रावक शब्द का प्रयोग गृहस्थ के लिए किया गया है। श्रावक शब्द का मूल श्रवण शब्द में है, अर्थात वह जो संतों के प्रवचन सुनता है। श्रावक अहिंसा आदि व्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में असमर्थ होता है, किंतु त्याग वृत्ति युक्त गृहस्थ मर्यादा में रहकर अपनी त्याग वृत्ति के अनुसार इन व्रतों को अल्पांश में स्वीकार करता है। श्रावक के दैनिक 6 कर्तव्य कहे गए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। बोलो। फिर से बोलो। जय जय जिनेन्द्र। मेरा नाम स्पर्श सुमित मेहता है। मैं सैनिक राजा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रेहा है। बनी हूँ कलश। लोगों को पता है कलश किस चीजों में काम आता है? भगवान के अभिषेक करने में काम आता है, मैदान में रखने के काम आता है। नए घर में प्रवेश होते हैं तब हम कलश रखते हैं। आपको पता चला कलश कितने चीजों में काम आता है? तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझे पर। हे प्रभु मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर। जय जय तीर्थंकर। मैं राजुल हूँ। मेरी नैमीनाथ से शादी होने वाली है। अरे ये क्या हुआ, उनको वैराग्य हो गया? दोई खरी जोड़ी खड़ी है राजुल, सुनो नैमी मोरे बलिहारी, लौट चलो अपने घर को तुम, ना जाओ तुम्हें गिर नारी। मेरा नाम बियान कासीवान है। मैं 4 ईयर्स का हूँ। मैं आज ओम बना हूँ। मैं इस नमो का मंत्र का छोटा रूप है। नमो अरियंता नमो विवेरम नमो विवेरम ओम नमो अरियंतानम नमो विवे सबोषणम ओम नमो आर्यानम अहिंसा पुरमोद ओम नमो अवधायानम जैन धर्म
आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनी, मेरा नाम आर्या टपारिया है और आज मैं मैना सुंदरी बनी। मेरे स्वामी को कुष्ठ रोग हो गया है। मुनि महाराज ने बताया है कि सिद्ध चक्र का विधान करने से मेरे स्वामी का रोग दूर हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या। सिद्ध चक्र का पाठ करो, आशीर्वाद से पानी सब संभव जाए। जय जिनेन, मेरा नाम अक्षरा जैन है और आज मैं राजकुमारी राजुल बनी हूँ। सखी, ये मेरा परम सौभाग्य कि मेरे जन्म जन्म के साथ ही कुमार नीली के साथ मेरा विवाह होने वाला है। हम दोनों जीवन भर के लिए एक होने वाले हैं। अरे ये कैसा शोर, चलो बहन जरा देखें तो क्या बात है। अरे ये क्या, कुमार नीली जा रहे हैं क्या? उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया? नहीं नहीं प्रभु, मुझे ना छोड़ के जाए। नहीं, मुझे ना छोड़ के जाए प्रभु, मुझे ना छोड़ के जाए। मैं भी एक क्षत्रानी हूँ और मैंने कुमार नीमी को अपना पति स्वीकार कर लिया है और अब मैं किसी की नहीं हो सकती। जिस मार्ग पे वे गए हैं मैं भी उसी मार्ग का अनुसरण करूंगी। मैं भी जैन दीक्षा धारण करूंगी, मैं भी मोक्ष को प्राप्त करूंगी। मैं वह नहीं करूंगी, मैं वह नहीं करूंगी। मेरा नाम बिहार शैलेश दोषी। आज आपको मैं तीर्थंकर शांतिनाथ जी का वैराग्य प्रस्तुत करता हूँ। एक दिन तीर्थंकर शांतिनाथ जी अपने श्रृंगार गृह में दर्पण को देख रहे थे। उन्हें अपने मुंह के दो प्रतिबिंब दिखे। उन्हें याद आया कि पूर्व भव में मैंने आत्म कल्याण का भावना भाई थी और उन्हें न समय गवा कर मुकुट और आभूषण रखकर जंगल की ओर चल पड़े। बोलो बोलो तीर्थंकर शांतिनाथ जी की जय। जय जिनेन, मेरा नाम है आना जय। आज मैं सती सीता का दूध लेकर नजर जनकपुरी में जन्म है पाया। रामचंद्र जी से व्यवहार रचाए, सीता रानी मैं कहलाई, अग्नि को पानी कर गई। बनी आर्य का, बनी आर्य का स्वर्ग को पाया। कष्टों में जिनवर को ध्याया, कष्टों में जिनवर को ध्याया।
जय जनीन। ये धर्म के दस लक्षण है, उत्तम सेवा, मार्जव आचरण, सत्य सौत संयम, तब त्याग, अकिंचन धर्माचर्य। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको पिछी के बारे में बताने वाला हूँ। दिगंबर साधु की पहचान होती है पिछी। मोर द्वारा छोड़े गए पंखों से निर्मित होती है पिछी। जीव दया का प्रतीक होती है पिछी। मुनि के संयम का करण होती है पिछी। बहुत ही सुंदर होती है पिछी। दिगंबर साधु की पहचान होती है पिछी। जय जिनेन्द्र। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है। आए अब सबको हम माफ करे, सब हमको भी माफ करे, इतनी सी है दिल की। मैना सुंदरी बनी हूँ। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा, कामदेव बन जाएगा। धन्यवाद। जैसलमेर, मेरा नाम अभिजीत है। मैं पुणे में तेलंगाना में रहता हूँ और मैं 4 इयर्स का हूँ। राजगृही नगरी की रानी का हार चुराकर अंजन चोर भाग रहा था और राजा के सैनिक उसके पीछे पड़े हुए थे। मृत्यु को निकट जानकर अंजन चोर सोमदत्त सेठ से रमुकार मंत्र सीखता है। जैसे ही उसने लास्ट रस्सी काटी, वैसे ही वह आकाशगामी विद्या उसको प्रकट हुई। जिंदत्त सेठ के साथ वह भी धर्म आराधन करने लगा। जय जिनेन्द्र।